बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू मिक्सिस कुजीन। आज मैं आप लोगों के साथ जोत्री वाले गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मुझे बीफ चाहिए आधा किलो, दही चाहिए एक कप, स्पाइसेस में हमें रेड चिली पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर चाहिए 1 टेबल स्पून। ये मैंने जायफल और जोत्री का पाउडर लिया है, ये भी हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये भी चाहिए 1 टेबल स्पून। बस ये ही इसमें स्पाइसेस ऐड होंगे, इसके अलावा और कोई स्पाइसेस ऐड नहीं होंगे। अब हम दही के अंदर मैरिनेशन करें गोश्त की। हम इसमें मसाले ऐड करते हैं, इसमें हम जायफल जोत्री का पाउडर भी साथ ही ऐड करेंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें हम गोश्त को मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा और जायकेदार गोश्त बनता है और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। वह पैन में ऑयल डालें, ये मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है, और इसमें हम दही वाले गोश्त को सारे को एज इट इज इसी तरह डाल के हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। जब ये पकने लग जाएगा तो हम इसको ढक्कन लगा के इसी के पानी में हम इसको गलाएंगे, दही के पानी में ही। अगर तो आपने मैरिनेट ज़्यादा देर तक नहीं किया हुआ तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये अपने दही के पानी में ही गल जाता है अगर आपने इसकी मैरिनेशन अच्छी की हुई है। हम जब ये पकने लग जाएगा हम इसको ढक्कन लगा के हल्की आँच पर रख देंगे। हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए। ये देखिए, ये इसका दही का पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला है, और ये बिल्कुल हमने खुश्क करना है कि बोटियों के साथ चिपक जाए इसका मसाला बिल्कुल। हमने इसको रोस्ट की शक्ल बनानी है, तो हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे, और इसमें कोई और मसाला ऐड नहीं होगा, ये एज इट इज ही सर्व करना है। इसको अंदर कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करने, इसको अच्छी तरह भूनें कि इसका जो मसाला है वो बोटियों के साथ चिपक जाए बिल्कुल, और ये रोस्ट की शक्ल बन जाए। इतनी देर तक आप इसको भूनें अच्छी तरह। ये मैंने हड्डी के बगैर गोश्त लिया था, ये समझे टिक्का टाइप स्टाइल बन जाएगा, और एंड में हम इसके ऊपर लेमन डाल के इसको सर्व करेंगे। हमारा जोत्री वाला गोश्त तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।